जब किसी द्रव को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो इस पर हम लोग एक ढकना दे देंगे। चलिए एक ढकना दे दिए, ढकना दे दिए, अब इसमें से वाष्प निकलने लगा। क्या निकलने लगा? गर्म किए तो वाष्प निकलने लगा। अब जैसे यहाँ से हम लोग ढकना हटाएंगे, जैसे यहाँ से हम लोग ढकना हटाएंगे हल्का सा, तो उसके इसका जो है गैस जो वाष्प जो निकलता है ना, उसमें होता है गुप्त ऊष्मा। तो जैसे ही हम लोग इसका ढकना हटाएंगे, वैसे ही मतलब हाथवा जो है इतना जोर से जरेगा, तो जरने के बाद क्या कहता है सब, माई गे औरी जर गया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। यदि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग नए नए हो तो आप लोग एकदम हमसे जुड़े रहे, और आप लोगों के लिए मैं अपना पूरा पावरफुल जो भी मैं अपना तरह से जानता हूँ वो मैं पूरा आप लोगों को निहूज करके दे दूंगा। समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये होता है कि मैं जो भी जानता हूँ पूरा आपको खंगार करके दे दूंगा, और आप लोगों को बस मैं एक ही बात कहता हूँ, आप लोग केवल जुड़े हैं। यदि आप लोग नए नए हैं तो आप लोग इतना ही समझिए कि स्टडी सिलेबस आपका ही है और आप लोग पूरा जुड़े रहे, ठीक है। अगर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो आज का वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि द्रव का अभिलक्षण या द्रव का गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, लिक्विड। एकदम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ऐसा मैं बता दूंगा कि आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो सबसे पहले नंबर बात आता है कि द्रव, ठीक है, आखिर का द्रव क्या है। तो मेरे भाई, द्रव का पहले नंबर हम एगो नक्शा बना लेते हैं। तो चलिए एगो ये बना लिए हम लोग तसला, तसला कहिए एक बर्तन कहिए, ठीक है। तो द्रव का ये एक बर्तन हो गया। द्रव कैसा होता है? तो द्रव थोड़ा सा हट हट करके होता है, इसके अणु छितराता है, ठीक है, हट हट के होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब द्रव जो है जहाँ तहाँ ऐसे ऐसे होता है, और वही ठोस होता है। तो ठोस कैसे होता है? एकदम ठोस में जो होता है ना, ठोस में क्रमबद्ध सजावट होता है, ठीक है, और जबकि द्रव में जो होता है क्रमबद्ध सजावट नहीं होता है, ठीक है। इसी के कारण ठोस ठोस होता है, द्रव द्रव होता है। तो ये द्रव का आप लोग देखें कि जहाँ तहाँ द्रव छितराया हुआ होता है, इसलिए द्रव में जो है कौन सा गुण पाया जाता है? तो परासरण गुण पाया जाता है, पसर जाता है। अब यहाँ पर बात क्या आता है मेरे भाई कि द्रव किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसमें आकार अनिश्चित, मतलब द्रव का आकार अनिश्चित। अगर एक देखिए, यहाँ पर हम लोग एक लोटा पानी ले लिए, ये समझिए एक लोटा है, ठीक है, एक लोटा हम लोग पानी ले लिए। अब इसी पानी को हम लोग एक बड़का टंकी में भर देंगे, तो बड़का टंकी में भर देंगे तो पानी इतने में अट गया, यानी कि यह जो है आकार कुछ भी ले सकता है, द्रव जो है अपना आकार कुछ भी ले सकता है। वह एक लोटा पानी अगर लेते हैं मेरे भाई, तो वही द्रव जो है आप लोगों को जो है एक टंकी में आप लोग डालिएगा तो ऐसा आकार ले लेगा। तो बात यह है कि इसका आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है, ठीक है। चलिए, अब ये बात तो आप लोग समझ गए, तो ये आप लोगों को कह देगा कि इसका मतलब द्रव का, इसका मतलब किसका, तो द्रव का आकार, आकार एक नंबर में द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित, मतलब जैसन मन तैसन चेंज हो सकता है, आ जबकि आयतन, आयतन निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। और आगे की ओर दूसरा नंबर पॉइंट में मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा सुनने पर याद होता है, समझ गए ना, रटने पर कुछ नहीं याद होता है हमारे प्यार लाल, हम कहते हैं ना हमारे प्यार लाल। दू में क्या कह रहा है हमारे भाई कि द्रव पर, यदि ये द्रव है, मान लीजिए कि एक लोटा पानी है ना, या मान लीजिए कि एक गमला पानी है, या समुन्द्र में पानी है, या गंगा जी में पानी है, तो उसमें हम लोग दाब लगाएंगे, यानी कि दाब यानी कि प्रेशर देंगे, इस तरह से प्रेशर, तो इस तरह से हम लोग प्रेशर देंगे तो उसके जो है आयतन में कम परिवर्तन होगा। तो हम लोग लिखेंगे ना कि द्रव पर दाब, दाब द्वारा आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो हमारे प्यारे भाई, होता है। तो जब हम लोग द्रव पर अपना दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे अपने शरीर का भी, तो उसका जो होता है ना, उसके आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है और ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे की ओर अगला पॉइंट समझिए,
तीन नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन नंबर में देखिए, जब किसी द्रव को ठीक है निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है, जिसे हम लोग द्रवों का क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि पानी है चाहिए, लोटा वाला पानी है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो एक गैस चूल्हा लगा दिए, ठीक है, गैस चूल्हा गैस सिलेंडर लगा दिए, समझिए गैस सिलेंडर है, तो इसमें से जो है आग फेंकने लगा। अब समझिए कि यह जो है 10 डिग्री ठीक है, चाहे मान लीजिए कि 10 केल्विन ताप पर या 20 केल्विन ताप पर इसको जो है हम लोग गर्म कर रहे हैं द्रव को, तो द्रव को हम लोग इतना केल्विन ताप पर गर्म कर रहे हैं निश्चित ताप पर, मतलब इतना ही होना चाहिए वोल्टेज, उतना ही जितना कि उतना ही। जैसे कि आप लोग दूध गर्म करते होंगे तो देखते होंगे कि उधियाने लगा तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते आप लोग गैस का, और देखते कि उतना में खौलत रहे, समझे ना। हाँ, तो होता है ना क्या मेरे भाई कि ये जो है निश्चित ताप पर द्रव जो होता है, द्रव क्या होता है मेरे भाई, तो द्रव जो होता है उबलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। तो हम लोग लिख सकते हैं तीन नंबर में, ऐसे मिटा लेते हैं, तीन नंबर में द्रव को निश्चित ताप पर ठीक है उबलने द्रव को निश्चित ताप पर उबलने की घटना को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का इंग्लिश होता है मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे भाई ये जो कहता है ना कि पानी जो है बॉयल होने लगा, ठीक है, तो बॉयल होने लगा उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक, ठीक है, और उबलना को हम लोग बॉयल कहेंगे और क्वथनांक को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, यही बात है। तो जब द्रव को निश्चित ताप पर जब कोई द्रव निश्चित ताप पर उबलने लगेगा तो उसी द्रव का क्या कहलाता है, तो क्वथनांक कहलाता है। अब बात है एक और मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, चार नंबर में। जब किसी द्रव को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो इस पर हम लोग एक ढकना दे देंगे, चलिए एक ढकना दे दिए। अब इसमें से वाष्प निकलने लगा, क्या निकलने लगा, गर्म किए तो वाष्प निकलने लगा। अब जैसे यहाँ से हम लोग ढकना हटाएंगे हल्का सा, तो इसका जो है गैस वाष्प जो निकलता है ना उसमें होता है गुप्त ऊष्मा। तो जैसे ही हम लोग इसका ढकना हटाएंगे वैसे ही मतलब हाथवा जो है इतना जोर से जरेगा, तो जरने के बाद क्या कहता है सब, माई गे औरी जर गया, माई गे कहता है ना। हाँ, वही बात हुआ मेरे भाई। तो इसमें जो होता है ना गुप्त ऊष्मा होता है, गुप्त ऊष्मा के कारण जो है जित आग के बीच में अगर हाथ रख देते हैं, ठीक है, पसीना थोड़ा चल रहा है, आग के बीच में जो है मतलब हम लोग हाथ रख देते हैं ताप लेते हैं, और जबकि वही ठंडे के दिन में जब एगो ढकना के कहेगी हमारी मम्मी या दीदी या भाभी जो भी हो घर में या दादी कहेगी कि जाओ बुआ भात जो है उधिया रहा है, आ जाओ थोड़ा सा अधन सुसुआ रहा है उसको थोड़ा सा घसका दो, ऐसे उधियाएगा नहीं, यानी कि मतलब फेनाएगा नहीं, या फेनाएगा मतलब समझते हैं ना क्या होता है, अवक्षेप होता है, फेन जो भात में से फेन जो निकलता है ना उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो उसी के कारण इसको कहता है मम्मी सखी घसका देना, कहती है मम्मी सखी घसका देना। अब हम जाते हैं घसकाने, मम्मी सब घसकाती है कैसे, तो वो अगर घसकाती है ना तो पूरा ऐसे गति खींच कर, हम सब क्या कहते हैं ना कि ऐसे गति इधर से उधर धकेलते हैं, तो एमें से जो वाष्पा जो है पूरा एने से नचैत यही में आएगा, अगर एने से घसके तो एनी ना आएगा, जन्ने का जगह मिले उन्हीं से ना, इतना ना प्रेशर में आता है, आ एमें भाप में गुप्त ऊष्मा होता है जिसके कारण हम लोगों का हाथ जल जाता है, आ इतना जोरदार जलता है कि बउआ सब बहुत याद रहता है। हाँ, सियानों सा आप लोग सियान भी है तो सियानों सा, हाँ बउआ तो नहीं है, आप लोग सियान हो गए, हाँ आप सबको होगा, आप चिंता ना कीजिए। अरे क्या होगा मेरे प्यारे लाल, अरे जॉब होगा, नौकरी होगा, सब चीज होगा। अब बात आता है कि अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गर्म द्रव में गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गर्म द्रव के वाष्प में
गर्म द्रव के वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। गर्म द्रव के वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती, इतना आया कि नहीं आता है देख लेते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, हाँ अब आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, और मजा मजा आएगा। ए मेरे प्यारा दोस्तों, अरे आप लोग एक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। अब जो है मैं बताने जा रहा हूँ क्या बात, सो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है। अब जो है लास्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, पाँच नंबर में, जब हम लोग जब द्रव को, यानी कि मतलब कि द्रव को ठंडा करने पर ठोस में, ठोस यानी कि बर्फ में बदल जाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग पानी को, जब पानी होता है, द्रव होता है, उसको जब हम लोग जाते हैं फ्रिजवा में रख देते हैं, तो फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाता है कि ना। तो जब हम लोग द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे प्यारे दोस्त, एकदम बर्फ यानी कि ठोस में बदल जाता है। तो पानी फेंक कर मारिएगा तो पड़ जाएगा, आप बर्फवा फेंक कर मारिएगा तो कपड़वा फूट जाएगा, तो ठोस में चला गया। अब आप लोगों को मेरा कहना है मेरे भाई, और देखते हैं कई दूगो पॉइंट छूटा तो नहीं। हाँ एक और बात है, हाँ एक और बात है मेरे भाई, कि छ नंबर में कि द्रव द्रव के ऊपरी, ठीक है, ऊपरी भाग से ही क्या होता है, ऊपरी भाग से ही ही ऊपरी भाग से ही, ठीक है, द्रव के ऊपरी भाग से ही वाष्प वाष्प निकलता है। ये बात है, क्योंकि वाष्प वाला छूट गया था। पूछेगा कि द्रव के कौन सा भाग से वाष्प यानी कि भाप निकलता है, तो ऊपरी भाग से। आ इसी पर एक बात हमको और याद आ गया कि द्रव के ऊपरी सतह कैसा होता है। तो द्रव के ऊपरी सतह मेरे भाई सात नंबर में, द्रव के ऊपरी सतह क्या होता है मेरे भाई, तो आप लोग देखे होंगे कि जब, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब पानी को हम लोग घैला में रखेंगे चाहे कुछ में, या पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो पानी ऐसे हो जाता है, ऐसे यानी कि समतल, तो समतल या, और जब इसमें हम लोग, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, समझते हैं ना, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह इसका सतह कैसे, तो ऐसे 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 हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि क्षैतिज समतल या क्षैतिज हो जाती हो जाता है हो जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग था इसका मैं बता दिया हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो मैं ला रहा हूँ क्या चीज़ का, तो गैस का गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठोस का गुण जो है, आप लोग को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और टेलीग्राम भी दे दिया गया है, यदि आप लोग को मन हो तो ज्वाइन हो सकते हैं, या इच्छा ना हो तो मेरे भाई नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता है हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग के लिए हम जिगरा निकाल कर दे देंगे। अगर समझिए ना कि आपका ही है, ये जो है सो आपका है, और आप हमसे जो है, देखिए हमारा कहना है कि हमारा में जो नॉलेज है वो आप लोग ले लीजिए, समझे ना, हाँ बात समझे कि ना एकदम, और आप लोग को जो नॉलेज है वो आप लोग अपना तरक्की के लिए रखिए। अगर आप लोग भी अगर हमसे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच वाला बात नहीं कि हम बहुत जानते हैं, हमारा हमको कहना है कि हम जो भी जानते हैं हमसे सीख लीजिए, ठीक है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक बनता है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे हमारे भाई, चलिए हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्टडी आप लोग ऐसे ही करते रहिए, जरूर एक दिन आप लोग भी सफलता पाइएगा। चलिए मेरे भाई, आप लोग को इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।